सस्पेंडेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ दिस सेशन। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल हुआ यूं कि सदन में मॉनसून सत्र की कार्रवाई चल रही थी और विपक्ष ने अपने उसी परिचित अंदाज में सदन में हंगामा प्रारंभ कर दिया और इस बार हंगामे के विषय रहे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता और सदन के सदस्य। उन्होंने सदन में मणिपुर पर वार्ता करने के लिए जोर दिया। उनका कहना था कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वक्तव्य एवं जवाब दे ही दे, परंतु राज्यसभा के सभापति इस पर लघु चर्चा करना चाहते थे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अपनी बात पर अड़े रहे और विस्तृत चर्चा पर जोर देते रहे। अंत में वे सभी सीमाएं लांघते हुए राज्यसभा वॉल के अंदर पहुंच गए। पीयूष गोयल ने अनुशासनहीन रवैये को देखते हुए उनकी बर्खास्तगी के लिए प्रस्ताव ला दिया। इस प्रकार संजय सिंह के असीमित और अभद्र व्यवहार के कारण उनको सभापति जगदीप धनखड़ ने मॉनसून सत्र के लिए आगे की कार्रवाई तक बर्खास्त कर दिया। गौरतलब है कि दोनों ही सदनों में विपक्ष अपने चिर परिचित अंदाज में हंगामा ही कर रहा है, जिस कारण न सिर्फ धन हानि हो रही है बल्कि देश के अनेक प्रगति कार्यों पर आने वाले अध्यादेशों के ऊपर भी विराम लग गया है। सदन की कार्रवाई में खलल डालने का ये पहला मामला नहीं है। विपक्ष अक्सर इस प्रकार की हरकतें करती रहती है। संजय सिंह इसके हालिया उदाहरण है। यूं तो मणिपुर विषय में चर्चा होनी ही थी, लेकिन जिस प्रकार विपक्ष ने सदन में हंगामा किया उस कारण सदन में लघु चर्चा भी नहीं हो पाई। संजय सिंह के निलंबन के बाद राजनीतिक गहमा गहमी फिर से तेज हो गई है। विपक्ष अपने पुराने राग अलाप रहा है, वही सदन की कार्रवाई आगे चलती रहेगी और संजय सिंह सदन के मॉनसून सत्र के बाकी सभी दिनों से भी बर्खास्त हो चुके हैं। जिस प्रकार मणिपुर मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है वे हमारे नेताओं की संवेदनहीनता को दर्शाता है। जिस विषय में बैठकर चिंतन मनन करके कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उस विषय का राजनीतिकरण करके उसको चर्चा का विषय बनाकर चर्चा तक ही छोड़ देना विपक्ष का मुख्य उद्देश्य लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे TNN वर्ल्ड। आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताएं हमें कमेंट करके। धन्यवाद।